विनिंग पंजाब देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ लखविंदर सिंह मान लेके हाजरा पंजाब दी राजनीति दियां कुछ बड़ियां ते अहम खबरां गलबात करांगे इस प्रोग्राम दे विच संगरूर जिमनी चोण दी जिथे कि कांग्रेस दी चोण मुहिम नूं बड़ा झटका लग्या की आ झटका गलबात करांगे नाल ही नाल गलबात करांगे कांग्रेस दे उपर कसे जा रहे विजिलेंस दे सकंजे दी हुण किन्ने होर साबका विधायक विजिलेंस दी रडार ते ने इस बारे गलबात करांगे ते नाल ही नाल गलबात करांगे दो कांग्रेसियां दी दो सीनियर कांग्रेसी जिहड़े कि बीजेपी दे विच शामिल होए ने उहनां दे बीजेपी दे विच शामिल होण दे नाल बीजेपी नूं किन्नी वड्डी ताकत मिलेगी इस बारे गलबात करांगे ते गलबात करन दे लई मैं नाल जुड़े ने सिख विद्वान प्रीतम सिंह खानपुर बड़िंग साहब सब तों पहलां स्वागत करदे हां खानपुर साहब स्वागत है जी प्रोग्राम दे विच मान साहब मैं विनिंग प्रोग्राम देख रहे समुचे पंजाबियां दा अपने दिल की ग्राहियां तो फतेह अर्ज करदा वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। सो खानपुर साहब सब तो पहला तो साढ़े चैनल के उपर मेरे वालों तो साढ़े सारे दर्शकों के वालों तुहानू तंदुरुस्त होने ते बहुत बहुत मुबारकबाद है जी क्योंकि थोड़े शरीर कष्ट तुहानू आए थे लेकिन परमात्मा की कृपा नाल तुसी एक बार फिर तो क्योंकि दर्शकों ने भी अरदास की उन्हें साढ़े वालों भी अरदास थी भी तुसी बड़ी जल्दी सेहतयाब होकर साढ़े चैनल पर पहुँचो तो अपने विचार लोगों के नाल रखते रहो। सो परमात्मा ने कृपा की तुसी एक बार फिर तो ठीक होकर साढ़े नाल पहुँचो एक बार फिर तो स्पैशल असीं तुहानू जी आए कहने कि चैनल के उपर तो शुरुआत करते हैं अज्ज इस प्रोग्राम जी मान साहब तुहाडा बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद जी। सर सर गलबात करिए आप अज्ज इस प्रोग्राम दे विच संगरूर जिमनी चोण दी क्योंकि अखाड़ा बुरी तरीके दे नाल भखिया होया है हर एक पार्टी जोर लगा रही है चोण जितण दे लई। सो भारतीय जनता पार्टी जो कि पहली बार इकल्या तौर पर इस चोण नूं लड़ रही है उहदे वल्लों भी तकरीबन पूरी ताकत झोंक दित्ती गई है इस मुहिम दे विच लेकिन उत्थे ही हुण कांग्रेस नूं कल एक बड़ा झटका लग्यागा। सो कांग्रेस नूं कल कांग्रेस नूं ना दूसरे पार्टियों भी लग्या क्योंकि सिद्धू मूसेवाले दे परिवार दे वल्लों सारियां ही राजनीतिक पार्टियां नूं अपील की गई है कि मूसेवाले दा नाम इलैक्शन दे विच किसी भी सियासी मंच तो ना वरत्या जाए सब तो बड़ा घाटा कांग्रेस नूं पैंदा लग जा किवें देख रहे हो किड्डा वड्डा झटका होएगा इस मुहिम दे विच कांग्रेस नूं क्योंकि कांग्रेस राजा बड़िंग दे अनुसार सिद्धू मूसेवाले दे नाम दे उपर ही इलैक्शन लड़ रही सी किन्ना वड्डा झटका कांग्रेस दे लई। मान साहब कांग्रेस नूं एक बहुत वड्डा झटका लग्या है जी सिद्धू मूसेवाल की मौत तो बाद जी दूजा उन्होंने परिवार ने जिहड़े पिता जी ने साफ गल कहती कि मेरे बेटे का नाम किसी भी पार्टी नाल जोड़ के या किसी भी नाल जोड़ के उहदे थां ते वोटां ना मंगियां जां क्योंकि इनक्वायरी चल रही है कांग्रेस नूं एक बहुत वड्डा झटका लग्या है जिन्हां ने इलैक्शन उहदे नां ते लड़नी सी ते जिहड़े उहदे समर्थक सी उहनां नूं नाल जोड़ के ये गल शो करनी सी कि मूसेवाल साडा समर्थक से असी बहुत हमदर सीगे लेकिन उन्होंने वो मन की जी इच्छा सी या उन्होंने वो पूरी नहीं होनी हैगी ना ही पूरी होगी क्योंकि कांग्रेस हुण हाशिए दे उत्ते आ चुकी है कांग्रेस की हालत है जिहड़ी दिन पर दिन निगरती जा रही है इसलिए आ जिहड़ा अगला समा है कांग्रेस वास्ते बहुत ही हानिकारक सिद्ध होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। सो आप दोहरा झटका कह सकते हैं क्योंकि पहला कांग्रेस ये गल कह रही थी भी असी सिद्धू मूसेवाले के पिता जी नूं सीट ते लड़ावांगे क्योंकि वह किसी भी तरीके दे नाल संगरूर सीट नूं अपने कब्जे च करना चाहते हैं जिहड़े कि दो टर्म लगातार आम आदमी पार्टी की झोली चाई सीगी ते दूसरे पासे हुण इस तरह के बयान परिवार वालों आ चुके ने अपील आ चुकी है ते दूसरे पासे राजा बड़िंग की गल करिए कही ये चुके से भी असी सिद्धू मूसेवाले का नाम अगे रखांगे चोण लड़न दे लई ते एक सौंग भी जिहड़ा कि आपां कह दईए कि चोण मुहिम नूं पखाउण दे लई जिहड़ा गीत चलाया गया सीगा दलवीर गोल्डी के पक्ष च उहदे विच भी सिद्धू मूसेवाले का जम के प्रयोग किया गया सी। सो हुण कह सकदे आं भी बिल्कुल हाशिए वल जाएगी कांग्रेस बिल्कुल कांग्रेस हाशिए वल जा रही है वह पत्ता खेडना चाहते सीगे मूसेवाल के पिता नूं इलैक्शन खड़ा करके लेकिन तुसीं देखो जिस दिन एडा वड्डा सदमा एडा बड़ा दुख एडी बड़ा दुख वह किहड़े मूंह नाल इलैक्शन च लोका जांदा उह जिहदा इलैक्शन खत्म हो गई उहदा जिहड़ा जिंदगी का चिराग सी दीवा सी वह बुझ गया उहने इलैक्शनां चों की लैणा किहदे वास्ते इलैक्शनां लड़नियां ने वह अपनी जिंदगी के आखिरी समय के नाम सिफर अपने पुत की शांति वास्ते अरदासा ही कर सकते हैं लोगों का उन्होंने धन्यवाद किया कि तुसीं मेरे पुत नूं मरे हुए नूं भी जिउंदा किया कि आके मेरे दुख बनाया
तो मेरे परिवार इस जुड़ के रहो। उन्हें बहुत वधिया गल की है, इस नाल कांग्रेस को बहुत वड्डा झटका लगे। वो जिन्ने मर्जी गीत गा लैन मूसेवाल का नाम लैके, लेकिन लोग सारे गल नूं समझदे ने। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप कह सकते जिहड़ा मेन मुद्दा सीगा, वड्डा मुद्दा जिस मुद्दे के उपर कांग्रेस इलैक्शन लड़ना चाहती सी, वह मुद्दा ही कांग्रेस हाथ चो चला गया। सर दूसरे पासे सर चर्चावां यह भी ने भी सिमरनजीत सिंह मान भी सिद्धू मूसेवाले के नाम नूं कैश करना चाहते सी, किन्नी सच्चाई है इस गल दे विच? मान साहब सिमरजीत सिंह जी मान सिद्धू नूं काफ़ी अपने नज़दीकी समझते सी, ते उन्हां नूं मिलदे भी रहिंदे, क्यों वह जिहड़ी सोच सीगी मूसेवाल दी सिख तो सोच सीगी जी, ते पता नहीं कैड़ी मजबूरी कारण उन्हां नूं कांग्रेस की टिकट पर लड़ना पिया। लेकिन हारन तो बाद उन्होंने मान साहब नूं, जिवें मान साहब कहिंदे ने मैनूं दो दिन पहले ही फोन किया कि मैं तुहाडी इलैक्शन दे विच पार्टिसिपेट करांगा, तुसीं इक वार मेरे घर आओ। वो मान साहब कहिंदे पर मैनूं आउण दे विच देरी हो गई, जब मैं आके देखिया उस टाइम मूसेवाल जिउंदा नहीं सी। उन्हें आके समका भावुक हो के ये गल्लां कहियां, ओ मूसेवाल ओ किथे है तू, मैं तो आ गया, तू हुण सामने क्यों नहीं हुंदा, तू किथे चलिया गया। उन्हें बड़ा भावुक हो के ये गल शो करनी हो सकती कि मैं उसे बहुत नज़दीकी है। लेकिन परिवार ने जिहड़ी गल आपां पहलां कर चुके हैं कि सारी पार्टियां जो किनारा करके अपना एक जिंदगी साधी, एक नाम सिमर ने या गुरु दे लड़ लग के जून जी की है, तो सिर्फ उन्हां दा इक्को एक है कि वह मूसेवाल दे जो कातल ने उन्हां कातलां नूं फड़ाया जाता है, होर मावां दे पुत्त नौजवान इस तरह अन्याई मौत मर के मौत की गोद में ना समा। जी बिल्कुल बिल्कुल, सो कह सकते हैं भी कल्ले कांग्रेस नूं नहीं नाल दूसरियां पार्टियां नूं भी एक बड़ा झटका लगेगा, जिहड़े कि सिद्धू मूसेवाले का नाम वरतना चाहते सी अपनी जित नूं सुनिश्चित करन दे लई। सो झटका कल्ला आपां संगरूर जिमनी चोण गए इत्थे ही नहीं जी, हुण झटका विजिलेंस भी देण नूं बिल्कुल तैयार है, क्योंकि जेकर आपां गल करिए कांग्रेस दे लीडरां दी, चाहे वह साधु सिंह धर्मसोत ने, संगत सिंह गिल जीआं ने गे, ते उस तों बाद नाम जुड़िया सीगा भारत भूषण आशू का, जिहड़े कि कल हाई कोर्ट भी चले गए सी। सो क्योंकि FCI दे विच रहे ने, वो फूड सप्लाई मंत्री रहे ने, हुण उन्हां दे विभाग दे विच जो बरीकी दे नाल जांच की जा रही है उस दे विच तकरीबन 2 दर्जन तो वध साबका कांग्रेसी विधायक उलझदे हुए नज़र आ रहे हैं। सो विजिलेंस दे वल्लों जो सूत्रां तो खबर है ये आई है कि 2 दर्जन तो वध साबका विधायकों के उपर भी गाज डिग सकदी है, क्योंकि जिहड़ी ये मलाइया खाधिया गई ने उन्होंने शमूलियत 2 दर्जन तो वध कांग्रसी विधायकों की भी सी। सो किवें देख रहे हो किन्ना वड्डा झटका होएगा ये हुण कांग्रेस के लिए, क्योंकि तकरीबन जो आप कही पूरी कांग्रेस ही हुण विजिलेंस के निशाने के उपर आ रही है, कि इसके अलावा कुछ वड्डे अधिकारी भी हो सकते हैं जिहड़े इस लपेट के आ सकते हैं? मान साहब जिस दिन की आज़ादी तो बाद इलैक्शन शुरू हुई ने, जिहड़ियां पार्टियां भी रूल कर दियां रहियां ने, उन्होंने किसी ने पंजाब नूं नहीं बख्शे। जिस तरह भी लुट हुंदी सी या हो सकती सी उन्होंने कीती है, लेकिन पंजाब दी बदकिस्मती अगली सरकार ने कोई भी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं की। वो कार्रवाई क्यों नहीं सी करती? वो सोचते जिवें कल नूं इन्हां ने पैसे इकट्ठे करने, सानू भी पैसे इकट्ठे करने पड़ने, एक दूजे नूं कबूतर वांगू अखां मीच के लंघाउंदे रहे। पर मैं धन्नवादी हाँ उन्हां नूं, बहुत मुबारक दिंदा सरदार भगवान सिंह जी मान ने, जिन्हां ने यह बीड़ा चुकया, क्योंकि बीड़ा भी उही चुक सकदा जिहदा दामन साफ होवे, जिहदे उत्ते दाग ना होवे। जे मैं दागी होवांगा, जे मैं दागी होवांगा मैं किसी नूं कह नहीं सकदा हैगा। इस लई महकमा चाहे कोई होवे, चाहे जंगलात होवे, चाहे फूड सप्लाई होवे, चाहे इरीगेशन होवे, चाहे कोई भी महकमा होवे, हर महकमे दे विच घपला होया हुंदा रहा और हुंदा रहेगा जब तक इन्हां नूं कैड़ी नत्थ नहीं पाई जांदी। तुसीं गल कीती है आशू जी दी, आशू जी कोल फूड एंड सप्लाई सिविल सप्लाई का महकमा सी, जिन्हें सारे पंजाब दे विच भी ते पंजाब दे बाहर भी कणकां वगैरह होर खाण दे नाल भेजने, उहदे वास्ते ट्रांसपोर्ट लेबर की लोड़ हुंदी है। इन्हां ने वह सारा पैसा किवें अपने चहेतियां नूं दे के घट टेंडर दे के वध पैसों की सप्लाई की है, वह उन्होंने महकमे के ठेकेदारां ते लेबर ने आप गल दसी है, क्योंकि नवे बंदे नूं कोई पता नहीं हुंदा जिहड़े उन्होंने नाल IAS अफसर या IPS अफसर लगे हुंदे ने, ओवैसली लगे हुंदे क्योंकि पुराने चले आउंदे ने। जे उन्हां नूं 100 रुपया कमाउंदे 10-20 रुपये उन्होंने भी मिलते हैं, वह अपने आप अपने मालक नूं बॉस नूं कहिंदे ने सर ये इदां नहीं इदां हो, सर ये इदां नहीं हो, जिहदे कोल पैसा आवे कोई ना नहीं करदा। इसलिए रात
हमाम दे विच सारे नंगे ने, इसलिए जो मैं इनकुआरी शुरू होगी एक कल्ले तुसी 15-20 की गल कर रहे हो, एक 15-20 नहीं इहदे पिछे जीरो भी लग जानी है जी। हाँ क्योंकि दो तो बद दो दर्जन तो बद कले कांग्रसी विधायकों की गल हो रही है भी जेडे इस हमाम के नंगे से। सो उस तो बाद जिवें तुसीं कह रहे हो भी अधिकारियों की मिली भुगत तो बिना, क्योंकि अधिकारी ही दस देने चोर मोरियां आखिर, सो अधिकारी भी हुण इस गेट दे विच आ सकदे ने जी। देखो मंत्री नूं कख नहीं पता हुंदा जी कि महकमा की है, किवें चल रहा है, की करना है। ये सारे जिहड़े उहदे एडवाइजर हुंदे ने, IAS अफसर हुंदे ने, थल्ले हुंदे ने, वो आपे ही चोर मोरियां दसदे ने। जिवें साधु सिंह धर्मसोत की गल है, उहदे जंगलात दे DFSO ने आपे दस्सिया सारे इदां नहीं, इदां हुंदा, इदां नहीं, इदां हुंदा। वह मलाई तार तार के ना दिंदे सी ते आप भी मलाई खांदे सी, इसलिए जदों मलाई किसी के मूँह लग जाए फिर वो छड्डनी बड़ी औखी है। पर यह नहीं पता ज़्यादा मलाई खाई हुई शरीर का की नाश करती है, किन्नियां बीमारियां पैदा होंदी है। वह बीमारियां का सदका ही आ जो जिहड़े ने विजिलेंस दे सकंदे दे विच आए ने। ये नहीं आए, होर भी बहुत आउणगे, आपां नां नहीं लैणा चाहुंदे। रोज़ नवीं खबर आउंदी है, अज पंज फड़े गए, अज पंजां दे खिलाफ़ हो गया, अज 10 अफसर आ गए। ये कल्ले अफसर नहीं, चपड़ासी तो लैके उपर तक करप्शन चलती है। जब तक असी अपना जिहड़ा मॉरल स्टेटस है, अपने देश हित लई, अपने देश की नैशनलिटी लई ईमानदारी नाल काम नहीं करांगे। जो तनखाह इन्नियां इन्नियां मिलदियां ने 8 घंटे, वह लोग भी देखो जिहड़े एडियां डिग्रियां लैके सड़कां दे उत्ते मुजाहरे कर रहे, डंडे खा रहे हैं, तो फैक्ट्रियां दे विच 5-5, 10-10 हज़ार ते काम कर रहे, वह भी इन्हां दे भरा ने, पंजाबी ने, साडे अपने बच्चे ने। एक पासे लखां लैके राज दे नहीं हैगे, इन्हां नूं अपना सबर दा जिहड़ा प्याला है उहनूं बंद करना चाहीदा, लोकां आशु दी थोड़ी जी बाह मरोड़ी गई तो दो दर्जन साबका विधायक सामने आ गए, तो हुण जदों दो दर्जन साबका विधायकों तो भी पुछगिछ की गई विजिलेंस वालों, तो लग रहा भी पूरी कांग्रेस नाल बड़े अधिकारी भी होर इस मामले शामिल पाए जाणगे। तो करप्शन नूं जड़ां तो पुट्टण दे लई जो उपराला कीता जा मान सरकार दा, उहदे विच उह सफल हुंदी हुई नज़र आ रही है। तो एक पासा कांग्रेस दे लगातार झटके लगदे नज़र आ रहे ने, चाहे चोणां दी गल करिए, चाहे उहनां दे लीडरां दी गल करिए, विजिलेंस दी गल करिए, ते कुछ जिहड़े लीडर ने उहनां नूं कांग्रेस खुद बाहर दा रस्ता दिखा रही है, जिन्हां दे विच हुण गल करिए आपां मास्टर अजैब सिंह रटोल जी, जिहड़े कि 3 वार दिड़बा तो इलैक्शन लड़ी सी, उन्होंने पिछले दिन ही राजा बड़िंग जी जो कि PCC प्रधान ने उन्होंने वालों बाहर का रस्ता दिखाया गया सी भी पार्टी विरोधी गतिविधियां ते पार्टी की मदद ना करने लई, हुण उन्होंने वालों भी जाके नाल सतकार कौर जी ने गए, उन्होंने वालों जाके BJP का पल्ला फड़ लिया गया। किवें देख रहे हो हुण इन्हां दे BJP दे विच जाण दे नाल किन्नी कु मजबूती BJP नूं मिलेगी, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰੁਤਬਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜ ਢਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ BJP ਨੂੰ ਫੋਬੀਆ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇੰਨੇ ਆ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਆਏ, ਕੋਈ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਰ ਨੰਗਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ ਉਹ ਭਗਤ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਊਗਾ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਪਿੰਦਰ ਬਾਜਵੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਅਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਦੀਨ ਮਾਨ ਧਰਮ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧਰਮ ਹਲ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੌਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿਤਾਈ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਇਹ ਪਾ ਲਈ ਜੀ।
ਤੇ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੋਚੀਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਦਾ ਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰੂ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇਗੇ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ 0% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਦੀ ਫੁਟਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਧੋ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਤਲ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਡਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀਆਂ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਭੇਡਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇਗੀ, ਨਫ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇਗੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਰਟੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3 ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੜਬਾ ਸੀਟ ਤੋਂ, ਅਤੇ 3 ਵਾਰ ਹੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਪਾਰਟੀ। ਸੋ ਖਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ ਬੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਉਹ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।